हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम निकल दिए हैं उपसी से। अभी रात में उपसी होटल पे हमने स्टे किया था और अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा लेह, जो कि 49 किलोमीटर है। तो चले दोस्तों, ये हमारे सोहेल भाई। हाँ सोहेल भाई, शाहिल भाई, हमारे ये हमारे बंटी भाई, ये हमारे गुरु गुरु आप खत्री शाहिल भाई। चल चल आए, चल उपसी में -10 टेम्परेचर है और ये आ गए हम अपनी कार पर और यहाँ पर सामान जमा रहे हैं साथी भाई। ये होटल उपसी जहाँ हमने स्टे किया था और यही सौर्य चक्र बना हुआ है, जो कि आपको दिखाते हैं हम। तो दोस्तों ये है सौर्य चक्र, यहाँ से इधर चंडीगढ़ से हम आ रहे हैं, मनाली से होते हुए आ रहे हैं। आओ चंडीगढ़ 674 किलोमीटर पीछे छोड़े आए, मनाली 425 पीछे छोड़े आए, सरचू 202 पीछे छोड़े आए, तंगलंगला 51 किलोमीटर पीछे छोड़े आए। अब हमको जाना है श्रीनगर 481 किलोमीटर, जो कि आपको दिखा सकते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, श्रीनगर 481 अभी यहाँ से रह चुका है और लह रह गया है 49 किलोमीटर और कारगिल 273 और तिक्षी रह गया 31 किलोमीटर। और ये हमारे गुरु कुछ बताएं गाइस को। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चेक आउट ऑफ होटल एंड वी हैव टू गो टू द श्रीनगर व्हिच इज 481 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम उपसी, बट वी हैव टू वी विल गो टू द श्रीनगर थ्रू द लेह एंड लेह इज द 49 किलोमीटर फ्रॉम उपसी एंड देन बट फर्स्ट ऑफ ऑल we will go to the Kargil, which is 273 kilometer far away, and then we will go to Srinagar, and after going to Srinagar we will purchase the some item for, I'm talking about the shoppings for everyone. So it is so long journey for everyone, that's all. साहब भाई कुछ बोलेंगे? बस बढ़िया, सुबह का आनंद ले रहे हैं और निकलने की तैयारी है। और यहाँ से श्रीनगर पहुँचना है वाया कारगिल, और अब कारगिल और श्रीनगर के आनंद उठाएंगे। अभी तक का सफ़र अपना कैसा रहा है, कुछ बताएं गाइस को। अभी तक का जो सफ़र रहा बड़ा डिफिकल्ट रहा और डेंजर जोन से बाहर आए। रास्ते में क्या क्या अपन को मिला है और क्या क्या अनुभव हुआ है वो थोड़ा सा बताएं। काफ़ी हाइट पर है तंगलंगला पास जो है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है और ऑक्सीजन लेवल कम होने से थोड़ा दाब भी बढ़ता है, जिसके कारण से आदमी को बेचैनी हो और अपने साथियों की दो लोगों की तबीयत खराब हुई है। इसमें एक मैं भी हूँ, जिसमें एक हमारे शाहिद भाई भी हैं, थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हुई है। देखिए दोस्तों, मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब हुई है क्योंकि गाड़ी मैंने ज़्यादा ड्राइव की है, यहाँ पर इतने यहाँ पर वो जो इन दोनों को हाइट का रिएक्शन हाइट के चक्कर में, मतलब यही है कि जो भी आए वो सेफ्टी से आए और ऑक्सीजन कैन लेके आए, और इसके बावजूद भी हम मेडिसिन लेके भी आए थे तो उससे भी हमें बेनिफिट मिला दोस्तों। तो कभी भी आप भी आएँ तो मेडिसिन के साथ आएँ, और लेकिन लास्ट में ये कहूँगा नवंबर में ना आए। कम साथ भाई, तबीयत के बारे में जहाँ तक मेरा सवाल है, जो लास्ट दिन का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होने के बाद उसके अलावा जो तंगलंगला पास है वो इतना हाइट पे है, यानी कि इतना एल्टीट्यूड पे है कि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ही यहाँ पर हम पांच जो मित्र हैं फ्रेंड्स हैं, तो दोनों में से दो तीन लोगों की कंडीशन इस तरह से, तीन लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है, उसमें से दो लोगों को तो वॉमिटिंग हो चुकी थी, तीसरा हमारा वो बंटी भाई उनकी तबीयत खराब हो गई, और फ्रेंड है उसी कंडीशन काफ़ी खराब हो चुकी थी। तो सभी दोस्तों से यही कहना है कि अगर आप आएँ तो बस अक्टूबर नवंबर में ना आएँ,
ना दिसंबर में आए, बल्कि ऐसे सीजन पे आए जो यहाँ सीजनेबल मौसम रहता है, यानी कि टूरिज्म के लिए जो मौसम अनुकूल रहता है उस मौसम में आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर कोई टूरिस्ट इस समय आए तो अपने साथ ऑक्सीजन कैन जरूर साथ लेकर आए। ऑक्सीजन कैन के अलावा और भी चीज़ें हैं वो ज़रूर साथ लेकर आए, और सर्दी का इंतज़ाम पूरा करके आए, ताकि उन लोगों को जिस तरह से हमने जो परेशानियां फेस की हैं आपको ना करना पड़े। मेरा यही कहना है आप सभी लोगों से कि जब भी आए सारी जानकारी के साथ आए, प्लस उसके साथ सारे इंतज़ाम करके आए, ताकि हमारे जैसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपको। मैं यही कहना चाहता हूँ। हमने तो कॉली बोल दी थी, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सफ़र रहा है हमारा, और यहाँ पर आर्मी के लिए एक जैन तो बनता है, आर्मी जगह जगह पर चेकआउट के लिए बने हुए हैं, चेक करने के लिए बने हुए हैं, चेक पॉइंट पर आर्मी लोग काफ़ी सहयोग कर रही है। और ये है अपना मेन रास्ता ले के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, और दिखाते हैं हमारी गाड़ी हो गई है पैक, हम हो गए रेडी, और चलते हैं होटल उपसी से लेह लद्दाख। ये देखिए हमारी गाड़ी हो गई रेडी, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यहाँ का देखिए व्यूज, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, कहीं बर्फीले पहाड़, कहीं रेतीले पहाड़। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। तो भरोसा गया बराबर। ये देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने गाड़ी चालू करी है, तो भरत जम गया चारों तरफ। जो हीटर होता है गाड़ी का, उस हीटर पे भरत जम गया है, हीटर में भी भरत जमना पड़ता हूँ। और अभी हम खड़े हुए हैं उसी में, अभी गाड़ी स्टार्ट की है, जैसे ही हीटर का कैप खोला है तो उसमें बर्फ जमी निकली है। कूलेंट भी जम गया है थोड़ा सा, ये कूलेंट तो है ही अपना। देखिए दोस्तों, ये बर्फ ही बर्फ है, ये बर्फ जम गया है। गाड़ी अभी चालू है ना, हाँ बर्फ जम गया उसमें। तो दोस्तों देखिए सुबह का व्यूज, ये सौर चक्र, ये है होटल उपसी, यहाँ हमने स्टे किया हुआ था, ये हमारे सारे फ्रेंड, जाना है हमें इधर लेह लद्दाख की तरफ, क्योंकि 49 किलोमीटर अभी लेह रह गया है। ये बर्फ की आवाज़ है जी, ये जो अभी आवाज़ आ रही है बर्फ की आवाज़ है जी। फ्रिज दबा के बंद हो सकती है, बैरिंग क्लिच बैरिंग, क्लिच बैरिंग। ये देखिए सुबह के नज़ारे उपसी में, -10 से 12 टेम्परेचर यहाँ पर। और ये देखिए बर्फ जमा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मनाली इधर है जो कि हम छोड़ के आए हैं 425 किलोमीटर पीछे, और यहाँ से हमें जाना है लेह लद्दाख की तरफ। लेह लद्दाख से होते हुए श्रीनगर, कश्मीर, और काफ़ी लंबा सफ़र है दोस्तों। गाड़ी गर्म होने में भी समय लगेगा। उपसी 0 किलोमीटर, मानथंग, डोमा, तुमची, सरचू, मनाली। ये देखिए
सुबह सुबह पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही शानदार। सर्दी का मौसम -10 से 12 टेम्परेचर, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है दोस्तों। तो जब भी आए अक्टूबर और सितंबर के महीने में तो बिल्कुल भी ना आए यहाँ पर, क्योंकि रास्ते बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। Let's take a break.